लेकिन यहाँ पर मकसद यही है कि बड़े लोगों को उतारो, बड़े चेहरे हैं जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इनके दम पे चुनाव जीतो, जो हारी हुई सीटें हैं और आसपास की सीटों पर असर डालो। अमिताभ जी, यतेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं, अंदर की कुछ जानकारी यतेंद्र भी ला रहे हैं। यतेंद्र, अब जरा ये बताइए, दूसरी लिस्ट के जरिए ये तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कितना भी लोग ये कह दें कि डरी सहमी बीजेपी है, लेकिन हर रणनीति है उसके पास, ये दूसरी लिस्ट से स्पष्ट हो गया। देखिए बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जो जोड़ी और उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो रणनीति रहती है वो यही रहती है कि हर स्टेट के हिसाब से रणनीति बनाई जाए। और मध्य प्रदेश की जो फिलहाल राजनीतिक स्थितियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर हैं, लेकिन जितने भी तमाम सर्वे आए और उन सूत्रों की माने तो उन सर्वे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर उदासीनता देखी जा रही है, चाहे वो कार्यकर्ता में हो चाहे जनता के बीच में हो, उनको लेकर नाराजगी नहीं है, लेकिन एक लंबे समय से एक ही चेहरे को देखकर वो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बन गई है। तो ऐसे में जो एक जोश होना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में और एक जनता के बीच में, वो नहीं है। लेकिन खासकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, ये भी सर्वे में स्पष्ट है। तो इस वजह से वो रणनीति नए तौर पर, या कह सकते हैं जो यूपी मॉडल और हरियाणा मॉडल था उसको अपनाया गया, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात मॉडल में समय से पहले 6-7 महीने पहले ही पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया, मध्य प्रदेश में वो नहीं किया गया, यानी कि वो मॉडल यहां पर नहीं अपनाया जा रहा। यहां पर यह मॉडल यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है कि यूपी मॉडल में हुआ यह था कि हर क्षेत्र में कद्दावर नेता को उतार दिया गया और उसको खुली छूट दे दी गई कि वो अपने को संकेतों में या साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहा था। हर अगर उस समय के भाषण देखेंगे नेताओं को तो कहेंगे कि खजाने की चाबी उन्हीं के क्षेत्र से आनी है, यानी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो चाबी है वो इसी उन्हीं के क्षेत्र से आनी है। और परिणाम यह हुआ कि केवल वो अपनी सीट प्रदेश में भी यतेंद्र देखने को मिलेंगे, ऐसा आप बता रहे हैं। अमिताभ जी, अब जरा मुझे ये बताइए कि ये डर है बीजेपी का, इसलिए ये लिस्ट सामने आई है, या फिर इस लिस्ट के बाद अब कांग्रेस डर गई है, क्योंकि इतने बड़े चेहरों के सामने खड़ा करने के लिए उम्मीदवार भी तो फिर उतना बड़ा कांग्रेस के पास होना चाहिए। देखिए, ना बीजेपी डरती है ना कांग्रेस डरती है, सबको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर में जीत जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि हम जितने भी बड़े उम्मीदवार, जितने भी मजबूत उम्मीदवार खड़े करेंगे उतना ही हमें जीत की के लिए आश्वस्त रहेंगे। तो ये अपनी रणनीति है, अपनी राजनीति है कि बड़े चेहरों को खड़ा करना। और ये 7 बड़े चेहरे हैं जो अलग अलग महाकौशल इलाका है, चंबल का इलाका है, ट्राइबल्स हैं, फगन सिंह गुलस्ते आदिवासी नेता हैं, 47 सीटें ट्राइबल हैं वहाँ पर। तो ऐसे 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 में संदेश तो उस समाज को भी जाता है। प्रहलाद सिंह पटेल लोध राजपूत हैं, उस बहुत बड़ा तबका है, उमा भारती का तबका है जो कि लोध राजपूतों का, जो OBC भी है। तो उन सबको उनके जाति से संबंधित, उनके संप्रदाय से संबंधित नेताओं को अगर आगे पार्टी करके चुनाव लड़ रही है तो संदेश सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, जनता को भी दिया जा रहा है। लेकिन कमजोर जगहों पर इतने बड़े नेताओं को उतारकर कहीं पाशालिता तो नहीं पड़ जाएगा? शालिनी, हमारे साथ यतेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। एक बात और जो समझनी चाहिए यतेंद्र की, ऐसा नहीं है कांग्रेस भी कमजोर स्थिति में होगी, हालांकि बहुत फेरबदल हमने सत्ता में आने के बाद देखा, फिर बीजेपी की वापसी होती है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत कमजोर स्थिति में यहाँ पर नहीं आंकना होगा। वैसे में देखना यह भी होगा कि जो मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला गया है क्या वो उतना कारगर साबित हो पाता है अगर पेपर वर्क इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है तो। यतेंद्र, देखिए फिलहाल की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है, और ज्यादातर होता भी यही कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को कमजोर नहीं समझता, और शायद यही कारण है कि वो तुरप का इक्का बचाकर चलते हैं और एक के बाद एक जो उनकी राजनीतिक या रणनीतिक चालें होती हैं वो सामने आती रहती हैं। जो बीजेपी की ये चाल है जो रणनीतिक तौर पर कारगर होगी या नहीं होगी जो आप पूछ रहे हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो एक उदासीनता दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, एक लंबी सरकार बीजेपी की वहाँ पर रही है और चेहरा भी वही रहा है, तो ऐसे में नए चेहरों की भी गूंज वहाँ पर सुनाई दे, नए चेहरों का भी प्रभाव सुनाई दे, और जो जिन क्षेत्रों में बड़े चेहरों को उतारने का एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया, ये उसी रणनीति का हिस्सा है कि हर क्षेत्र में उनको लगे कि अब एक हमारा नेता जो भी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे आदिवासी चेहरे के तौर पर फगन सिंह कुलस्ते हों, चाहे लोध चेहरे के तौर पर प्रहलाद पटेल हों, या दूसरे रिद्धि पाठक हों जो ब्राह्मण चेहरे को नेतृत्व करती हैं, तो या राकेश सिंह हों जो बड़े कद्दावर नेता क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो ऐसे वो नेता उतारे गए हैं जो हर जाति को हर क्षेत्र को संभालने का काम करेंगे और केवल अपनी सीट नहीं आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इस तरह का जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह का मॉडल पहले यूपी में अपनाया गया, उतार दिया यतेंद्र, वो गलत होगा। यहाँ पर अगर उतारा भी गया है बड़े नामों को तो वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उतारा गया है। अमिताभ जी, इसके पहले भी आप कह रहे थे कि ये अनुशासन ही है कि बड़े बड़े जो नेता भी हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गए हैं और वो कुछ कह भी नहीं रहे, आप क्या यही अनुशासन
ये जब चुनावी मंचों पर चढ़ेंगे, भाषण देंगे, तो उसमें भी दिखाई देगा, ये क्लैश वाली चीज तो नहीं हो जाएगी जो आप भी कह रहे हैं कि कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, या वो ये कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी मुख्यमंत्री आएगा? वो अनुशासन, देखिए वो अनुशासन बना रहेगा, क्योंकि ये तमाम ऐसे नेता हैं, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, मुझे नहीं लगता कि एक बार भी कोई अपनी आवाज़ उठाता भी है पार्टी नेतृत्व ने जो कह दिया उसके बाद। और बीजेपी कार्डवेज पार्टी है, अभी तक मुझे लगता है अगर 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 किसी को विद्रोह करना भी होता है तो उसे उनकी बात सुनकर उनको समझा बुझा के शांत कर दिया जाता है।